इस वक्त मैं घोड़ेराज पंचायत पे हूँ और जो कल जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ को लेके इतनी सारी कामयाबी जो एसपी अभिषेक पल्लव जो बता रहे हैं जो कि इतना कामयाब है, लेकिन जिस तरह जनता पूरा मिलके मेरे को आज बुलाया, बुलाने पर मैं आई। आने के बाद ये पता चल रहा है यहाँ इतने महिलाओं के साथ मारपीट हुआ है और पुरुषों के साथ भी मारपीट हुआ है, लेकिन ये कब तक ऐसे चलते रहेगा। इसी महीने में 3 वारदात अभिषेक पल्लव ने जो दिखा रहे हैं, जो जो डुवाली खरका में जो किए वो भी एक फर्जी था और एक आरनपुर में जो किए करे हैं वो भी फर्जी था, और ये तो एक नक्सल का जो ऑपरेशन दिखा रहा ठीक है कि वहाँ पर मतलब माओवादी रहे हैं ये बात बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ तक मैं मानती हूँ, पर इन ग्रामीणों को उस मुठभेड़ के बाद क्यों मारपीट किया गया, ये बड़ा सवाल है। इसलिए अब ये पूरी पब्लिक से मेरे बात होने के बाद अब पहली बार ऐसा होगा गोंडेराज पंचायत से कि अब ये पूरी पंचायत लेवल पे ग्राम सभा किया जाएगा और इस घटना को ग्राम सभा के थ्रू ला के अब राष्ट्र मानवाधिकार को सीधा हम अब लिखित रूप से सौंपेंगे और पूरी जनता तैयार है। और आप लोग बताओ मेरे को तैयार नहीं दे रही और मेरे इस केस तीन राष्ट्र मानवाधिकार तक तैयार नहीं दे रही पूरा पंचायत और जरूरत पड़ने से मेरे आंदोलन की थी और रैली वैली की थी पूरा एकदम तैयार नहीं दे रही। तो ये आवाज आ रही है, इस आवाज के साथ हम राष्ट्र मानवाधिकार को भी लिखेंगे और आंदोलन करने के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आज पूछताछ होने के बाद आज नहीं रिहा किया गया तो और कल तक देख रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो ये सारी पब्लिक इससे ज्यादा निकल के रोड में अब आएंगे।